नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ताकत ट्रैक्टर जंक्शन में। और आज की इस वीडियो में किसान भाई हम चर्चा करने वाले हैं गेहूँ की फसल के बारे में, जो कि ये किसान भाइयों आज से लगभग ये हो गए हैं किसान भाइयों 20 से 25 दिन, एक महीने के आसपास ये लग रहे हैं, मतलब एक महीने के आसपास ये होने को आए हैं। तो किसान साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि ये जो किसान भाई आप गेहूँ देख रहे हैं किसान भाइयों, इसमें हम जो खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव किया था उसका रिज़ल्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। तो इसी बात की हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि वो कितनी कारगर हुई और कितनी सही है। तो किसान साथियों, हमने इसमें खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव किया था आज से करीबन 5 से 7 दिन या 10 दिन हो चुके होंगे, इसमें हमने छिड़काव किया था। तो उसमें ये गेहूँ की फसल थोड़ी छोटी थी, अब ये कंडीशन आप इसकी देख सकते हैं, ये एक बेत बेत के लगभग ये फसल हो चुकी है। तो खरपतवार दवा का किसान भी आप देख सकते हैं, कहीं पर भी खरपतवार दवा का अच्छा रिजल्ट निकला और कुछ भी कोई खरपतवार नहीं बची हुई है और ये अच्छी तरह से ख़त्म हो चुका है खरपतवार। क्योंकि ये किसान भाइयों, ये जो आपको क्यारियाँ दिख रही है किसान भाइयों, ये 11 टाइम की जो सीड ड्रिल की मशीन होती है किसान भाई, उसमें इसकी बुआई की थी, जो जिससे कि ये जल्दी इस खेत भर जाता है गेहूँ से और खरपतवार को दबा देता है और अच्छे से खरपतवार को ऊपर निकलने नहीं देता। और इसको किसान बताती हूँ, आपके ये जो गेहूँ होते हैं वो ज़्यादा खरपतवार से बलते नहीं हैं। तो किसान साथियों, इसमें कुछ साइड इफेक्ट भी है किसान, जैसे कि किसान साथियों देख सकते हैं आप, कहीं पर किसान भाई ऐसे पीले पड़ने की संभावना रहती है किसान भाइयों, ये कहीं पर हमारे भी पीले पड़ रहे हैं, परंतु किसान भाइयों इसमें हम यूरिया का छिड़काव करके ये सही हो जाएगा। किसान साथियों, यूरिया का छिड़काव करेंगे और ये फिर बाद कालेपन पर आ जाएंगे। ये तो बहुत ही अच्छे गेहूँ है किसान साथियों, इसमें हम पहली बार गेहूँ की बुआई किए हैं, तो ये तो गेहूँ तो अच्छे होंगे किसान साथियों। और किसान साथियों आपको दिखाते हैं कि हमने ये इससे ऊपर किया था, उसमें हमने खरपतवार दवा का छिड़काव नहीं किया, तो उस वो गेहूँ भी आपको दिखाते हैं। ये जो गेहूँ देख रहे हैं किसान साथियों, इसके ऊपर वाला ही खेत है, ये अलग है थोड़ा, इसमें हमने खरपतवार दवा का छिड़काव नहीं किया है और ये बहुत ही ज़ोरदार कंडीशन में है किसान साथियों। ये गेहूँ, इसमें भी किसान भाई पहली बार गेहूँ बोए हैं, तो ये इसमें खरपतवार ज़्यादा नहीं हुआ, तो हमने दवा का छिड़काव भी इसमें नहीं किया। तो आप देख सकते हैं किसान साथियों, ये बहुत ही ज़बरदस्त और कह सकते हैं आप बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन में ये चल रहे हैं गेहूँ, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है किसान साथियों। तो आप कह सकते हैं, आप अगर ज़्यादा खरपतवार आपके नहीं हो रहा तो आप दवा का छिड़काव नहीं करें, अगर ज़्यादा हो रहा तभी दवा का छिड़काव करें। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको किसान साथियों, अगर वीडियो पसंद आएगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।